नमस्कार दोस्तों, देखिए ये है सिंगेनियम का प्लांट और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से उसमें चल रहा है। और हल्की सी धूप आती है तो इसलिए इसकी पत्तियों का कलर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए डार्क ग्रीन और एकदम से थोड़ा थोड़ा वाइट शेड में, तो हल्की सी धूप आती है तो इसकी पत्तियों का कलर बहुत ही सुंदर हो जाता है और बहुत ही जल्दी जल्दी इसकी पत्तियाँ निकलती हैं। देखिए अभी एक अभी जल्दी में ये भी पत्ती निकली थी और फिर से देखिए एक पत्ती और ये निकल रही है और बहुत जल्दी ये बास्केट को पूरी तरह से भर लेता है। बहुत ही सुंदर दिखती है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और अपने इस एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स हम बना सकते हैं। मेरे पास ये एक ही प्लांट्स था, उसमें से ही मैंने कई जगह इसको लगा दिया और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। देखिए यहाँ इसमें एक तो हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया था तो इसमें कितना बड़ा हो गया और बहुत ही सुंदर दिखता और अच्छे से चल रहा है। एक ये खराब टोकरी पड़ी थी इसमें लगा दिया था मैंने, इसमें भी देखिए कितने अच्छे से चल रहा है, पत्तियाँ रोज निकलती हैं इसमें और कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें भी बहुत अच्छे से और लगा हुआ भी अच्छा लगता है, खाली टोकरी से तो अच्छा है। देखिए कितनी अच्छा दिखता है, ये सुंदर बहुत लगता है। इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं और बहुत ही जल्दी ये पूरी तरह से पूरी टोकरी को, जिसमें भी हमने लगाया है किसी पॉट में टोकरी में बास्केट में, उसको पूरी तरह से भर लेता है। पूरी हरी भरी हो जाती है, वो बहुत सुंदर दिखती है। और दो प्लांट मैंने अंदर भी लगाए थे, देखिए ये प्लांट मैंने अंदर लगाया हुआ है। इसको मैं लेके आई दिखाने के लिए। इसके कलर देखिए, पत्तों का कलर थोड़ा चेंज रहता है, अंदर एकदम लाइट कलर हो जाता है पत्तियों का और बाहर की जो पत्तियाँ होती हैं जो हम हल्की धूप आती है तो उनका कलर थोड़ा डार्क रहता है, लेकिन ये अंदर बाहर दोनों जगह चल जाता है। देखिए एक दो प्लांट्स मैंने अंदर भी लगाए हैं, एक ही प्लांट्स में से मेरे पाँच प्लांट तैयार हो गए हैं। जैसे बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे हम उसमें से उन प्लांट को अलग करके लगा सकते हैं और ज़्यादा पानी की इसे ज़रूरत नहीं होती और इसको हम अंदर बाहर कहीं भी रखें, अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है और बहुत ही आसान है। इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पौधा तो हर एक घर में होना चाहिए क्योंकि तो ना ही तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। और सबसे बढ़िया बात, एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। हमारे पास एक प्लांट है, उसमें से हमारे कई सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। इनको हम कहीं भी रख सकते हैं, अंदर बाहर, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?